वही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार को चुनावी सभा में शामिल होने सरायपाली पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि मंडी में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 5 साल तक जनता को धोखा दिया है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार और अपराध का गढ़ बनाया है। उन्होंने आगे कहा कि आज कांग्रेस के हजारों लोग भाजपा में आ रहे हैं। भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल भी भाजपा में आ गई। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दा नहीं है बोलने को, इसलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं। एक तो 5 साल कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल किया, धोखा देने का काम किया। 2018 के विधानसभा चुनाव में 36 वादे किए थे, 36 वादों का जन घोषणा पत्र लाए थे, उनको पूरा 5 साल काम करने का समय मिला, सरकार चलाने का समय मिला, लेकिन एक भी वादा वो लोग पूरा नहीं कर पाए और इसलिए उनको 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना पड़ा। और अभी लोकसभा के चुनाव में भी इनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, अब क्या क्या इनके प्रत्याशी बोले आप सबको मालूम है। बस्तर का प्रत्याशी तो इतना तक बोला कि हम अपनी अपने बेटे के लिए दुल्हन मांगने गए थे, हमको खुद दुल्हा बना दी। तो आज ये हाल कांग्रेस का है और इनको अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए मतलब उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे लोगों को अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्पष्ट ये लगता है कि इनको उनकी हार दिख रही है।